दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नई शराब नीति को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मनीष सिसोदिया के अलावा 15 लोगों पर एफआईआर हुई है। तो सीबीआई की तरफ से जो नई शराब नीति पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं है, मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आपराधिक साजिश रचने का आरोप मनीष सिसोदिया पर है। इस एफआईआर में एक अज्ञात आरोपी को भी शामिल किया गया है, जबकि कुछ शराब कंपनियां हैं जिनके नाम पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, उनको भी कार्रवाई के जद में लाया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापेमारी के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता आप कार्यालय का घेराव करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की है और एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं।